Yeah. so hi everyone i hope you are able to see my screen so this this is the link of excel sheet that i will be sharing with all of you right so as you can see here uh, that the first tab is uh, about me who i am right and if you want to connect with me and my overall percentile and scores then the next useful tab as of now for all of you would be the gdp material then uh, cat prep material i will upload then my strategy i will upload here so now as far as the gdp material is concerned so this is the compiled list that about the sources that i used for my gdp preparation to be very honest like i was enrolled in one two three coachings and jo jo mujhe sources acche lage wo coachings mein jo valuable lage at that time unka main ek folder banata rehta tha hai na तो वही folder से almost मैंने सारी चीज drive में डाल के आपको हर चीज का link दे दिया and everything is downloadable, है ना तो आपको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो डाउनलोड करके पढ़ना डाउनलोड करके पढ़ो आई वुड सजेस्ट कि डाउनलोड करके उसको जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो एडोबी में पीडीएफ ओपन करोगे तो उस पर हाईलाइट करते रहो है ना ताकि जब आप रिवाइज करो तो वो चीज रिवाइज कर पाओ और या आप क्या कर सकते हो बेस्ट चीज है कि वर्ड्स को डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करो और कॉपी पेस्ट कर लो जो जो चीज आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है है ना और आपको लग रहा होगा काफी मटेरियल है Obviously, काफी मटेरियल है है ना आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो देखो एच आर क्यूज एंड ग्रेजुएशन वर्क एक्स जी डी टॉपिक्स ये सब है एंड यहाँ पे नो योर कंट्री तो वन बाय अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है इसको कैसे यूटिलाइज करना है बिकॉज GDP में आपके अब जब भी जहां भी एनरोल करोगे वहां पे भी आपको बहुत कंटेंट मिलेगा एंड बिलीव मी आप पूरा कंटेंट कभी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे बट मेरा स्ट्रेटेजी था कि पूरा कंटेंट यूटिलाइज करना है एंड आई हैव फाउंड अ वे कि उसको कैसे यूटिलाइज आप कर सकते हो राइट right? तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि आपको ये कंटेंट देखो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ बुकलेट्स है ना आई डोंट से कि आप उसको मत पढ़ो बट यू हैव टेरी सब्जेक्टिव वेरी लिमिटेड टाइम एंड यू हैव टू रीड द बेस्ट मटीरियल तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा तो मैंने सिर्फ इतना ही किया था जो मैंने यहाँ पर डाला है एक भी चीज मैंने मिस नहीं की एंड ओवर द कपल ऑफ डेज इफ आई फाउंड आई हैव फाउंड वैल्यबल तो वो भी मैं यहाँ पे एड कर दूंगा फॉर तो हाँ तो हाँ एग्जाम्पल तो हाँ आपने एच आर क्यूज में ये फाइल ओपन करोगे राइट लेट से यू ओपन दिस फॉर एचआर तो यहाँ पे देखो ये सब ये पहले अकेडमिक क्वेश्चन है और लास्ट में इसके एंसर क्यूज भी है ये सारे अकेडमिक क्वेश्चन है राइट सिविल इंजीनियरिंग पे है इकोनॉमिक्स पे है राइट एंड फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दिस इज द एच आर यहाँ पे एच आर क्यूज तुम्हारे स्टार्ट होते हैं फर्स्ट इज टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ वाई शुड वी टेक यू डिफरेंस बिटवीन लाइफ अब्रॉड इन इंडिया दैट आपके पास uh, एक आंसर होना चाहिए हर चीज का राइट टेल मी समाउट यूर सेल्फ राइट टेल मी समथिंग इफ सेज यू आर अ जर्क इज इट अ वेरीफाइबल स्टेटमेंट यू से वन ऑफ योर फेलियर्स हैज बीन वर्क लाइफ बैलेंस एक्सप्लेन दैट है ना तो ये सब आपको समझ आना चाहिए कि आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है राइट right? ठीक है और इसकी एक्सेल शीट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रॉपर वीडियो के है ना तो वो आपको मिल जाएगी टेलस वोट अबाउट और बाकी वीडियो में ये एक्सेल फाइल की आ, लिंक है ठीक है तो मैं वॉज द्रोपदी राइट इन इन्साइटिंग महाभारत हाउ कम्फर्टेबल यू फील इन फॉर्मल वियर्स वर्सेज ट्रेडिशनल वियरिंग्स है ना तो ये सारे आपके एचआर आपके यहाँ से कन्वर्ट शॉर्ट हो जाएंगे और आपको डाउनलोड करने है तो ये फॉल डाउनलोड भी हो जाएगी ठीक है नाउ नाउ लेट सी ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस, राइट ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस में भी यही फाइल है तो ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल, राइट इफ आई सर्च ओके सो यहाँ पे अभी सर्च नहीं होगा फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग

उंडसलेन सी एम मॉडल एंड एवरीथिंग राइट तो ऐसा ऐसा सब कुछ हो सकता है, है ना देन वर्क एक्स पे है वर्कैक्स पे भी उसी फाइल में है राइट एंड नाउ कम्स टू द जीडी टॉपिक्स तो आप जीडी टॉपिक्स में क्लिक करोगे राइट right? की जो पॉसिबल जीडी टॉपिक्स है राइट right? तो ये आपके सारे जीडी टॉपिक्स आ गए हैं ठीक है कोविड थर्ड वेव इन इंडिया वेब 3.0 नाइट ऑल्स वर्सेस अर्ली बर्ड्स लिंकिंग आधार कार्ड विद द वोटर आईडी सबमिट फॉर डेमोक्रेसी एंड ये वेबसाइट काफी अच्छी है ठीक है और इसी वेबसाइट का ये शायद पास्ट इयर्स के इसी वेबसाइट का आप लिंक जाओगे तो अपडेटेड लिंक मिलेगा आपको जीरी टॉपिक्स नॉलेज में यहां पे भी आई थिंक जीजी टॉपिक्स हैं अह लेट इट तो देखो लेटेस्ट जिन टॉपिक्स पे आप कवर करोगे फॉर एग्जांपल आपने कोविड थर्ड वेव इन इंडिया पे क्लिक किया तो ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा एंड कोविड थर्ड वेव इन इंडिया के बारे में आपको आपको डिटेल्स पता लग जाएंगी राइट right? फिर आता है आपका रियल वैट वैट टॉपिक्स टॉपिक्स तो wet topics, अब आपको कौन से प्रैक्टिस करनी है? है ना वो कोई भी कर लो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहां पे ऐसे रैंडम ही आता है कुछ ऐसा नहीं है कि इससे ही आएगा बट यहाँ पे देखो वैट टॉपिक आई एम अहमदाबाद ने लास्ट फाइव ईयर्स में क्या दिए वो है राइट आई एम बेंगलोर ने क्या दिए आई एम कैलकटा ने क्या दिए आई एम लखनऊ ने क्या दिए राइट आई एम इंदौर ने क्या दिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यार कि किस टाइप के वेट टॉपिक्स आते हैं जरूरी नहीं है ये आएंगे या नहीं आएंगे बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया टू मैनकाइंड एक्सटिंक्शन राइट शुड इंडिया रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ फॉरन कंपनीज इंडिया और शुड इट रेगुलेट द एंट्री तो ये वेट टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि नॉट बेस्ड ऑन द टाइम राइट कभी भी आप ये वेट टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो तो जनरली ऐसे ही वेट टॉपिक्स आते हैं ठीक है आई एम एस की पी आई बाइबल है दिस इज लाइक वन ऑफ द गुड बुक्स जो जो आप गो थ्रू कर सकते हो बिकॉज नाउ यू हैव इनऑफ टाइम्स तो अगेन ये वही अकेडमिक क्वेश्चन एच आर क्वेश्चन इट वन बाय वन एंड अब इसमें एचर्यू क्वेश्चन भी काफी होंगे राइट यू हैव टू भी वेरी सिलेक्टिव आपको कौन से एच आर क्यू क्वेश्चन इंपोर्टेंट लग रहे हैं है ना एंड कौन से आप स्पॉन्टेनियंसर कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसके आंसर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो देन इट कम्स टू द नैनो एमबीए कैप्सूल आई एम एस ओनली बेसिकली इसमें क्या है कि मार्केटिंग के एच आर के बारे में ऑपरेशन आई टी फाइनेंस के बारे में आपको knowledge है, दी है, और इन माई ओपिनियन आपको सबके बारे में नॉलेज बेसिक होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द फाइनेंस डोमेन और समथिंग लाइक दैट बू शुड है इसमें आंसर भी दिए हुए हैं रिक्रूटर स्पेसिफिक सी आर एम एंड एवरीथिंग है और लिंक्स है तो इसमें पढ़ सकते हो रेफरेंस वीडियो है तो नाउ यू यू विल है बेसिक मॉडल्स है सेवन पीज ऑफ मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए इफ नॉट सेवन पी एटलीट फोर पीज यू शुड हैव समोर पीस तो ये सब आपका सोटेड है एंड आई फील दैट इन टाइम राइट नाउ तो ऐसा कुछ वाला आपको नया मेटेरियल नहीं देगा दिस विल बी द सेम मियल एंड ये मैंने काफी बेस्ट बेस्ट मेटेरियल अलग अलग कोचिंग से किया है राइट अगर आपको एक कोचिंग में जाओगे तो शायद वो आपको लिमिटेड मेटीरियल दे है न तो आई बिलीव की ये काफीफुल होने वाला है बट अगेन अगेन इट इज कम्प्लीटली अपोन यू हाउ यू यूटिलाईज दे राइट राइट व्हेन इट कम्स टू दी आई होते हैं उसमें काफी नॉलेज होती है काफी एक बार बहुत शुरू करोगे तो विल गेट एन आइडिया तो यहाँ पे मैंने चार पीआई आई मेंशन किया है फर्स्ट वन इज ऑफ आई एम रखनाबाद आई एम अहमदाबाद की सॉरी केस बुक एंड ऑर्ड दी आई बुकेंड थर्ड वन वुड बी द एस पी जैन एंड फोर्थ वुड बी आई एम रायपुर इसका आप गो थ्रू कर लेना जो आपको बेस्ट लगे यू कैन यू कैन चूज दैट देन फॉर द कंसल्टिंग पीपल हुन जस्ट हैैक्टिस और यू कैन गो थ्रू दस बुक्स ऑल्सो तो ये कंसल्टिंग केस बुक्स है पूरी कवर नहीं करना जस्ट जस्ट है आइडिया इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द कंसल्टिंग देन बेसिक्स ऑफ फाइनेंस वो कवर इज दिस Uh, ये तीन चार पांच छः बुकलेट्स हैं काफी छोटी छोटी बुकलेट्स हैं यू कैन हैव है लुक टीवी इंपोर्टेंट हैटेंट है वैल्यूएशन वैल्युएं बेसिक्स ऑफ फाइनेंस ये सब इम्पोर्टेंट है तो यू कैन यू कैन गो थ्रू ऑल दिस फाइल्स राइट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में आई थिंक यू यू शुड हैव सम नॉलेज एंड एवरी ईयर अलॉट ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट अबाउट द गवर्नमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो दिस दिस इज द फाइल यहाँ पे आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा राइट right? एंड काफी काफी अच्छी फाइल थी

ये येलो ऐसे में मार्क कर लेता था ठीक है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस थिंग जो इंपॉर्टेंट लगे देन गुड पर्सनल अगेन समथिंग यू कैन लुक एट इट राइट इमोर्टेंट लगेउट आर कंट्री है ना आप इसको पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया राइट इसमें कुछ चेंज होगा तो कर लेना है ना मोस्टली करेक्ट होना चाहिए बट अगेन जैसे फोर स्टेट्स के इलेक्शन हुए तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अपडेट इट इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर ठीक है देन इंडियन गवर्नमेंट के बारे में यू यू कैन कैन हैव लुक

then mathematics those who are from mathematics background or want to get an idea about the mathematics so here are the notes of the mathematics this this is not my notes but yeah you can you can use it as a resource so that is the another thing uh, for puzzles this was the website that I used to used to use

ऑलरेडी news news मैंने आपको बताया था कि आई यूज नॉट टू रीड अ लॉड ऑफ न्यूज पेपर्स या तो मैं न्यूज पेपर पढ़ता था तो अपने पीसी में पढ़ता था और पीसी में क्या पढ़ता था मैं सिर्फ अपना ओपिनियन सेक्शन जो न्यूज पेपर्स के आते हैं ठीक है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो उसमें ओपिनियन सेक्शन काफी आएंगे तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट्स तो फिन शॉर्ट्स पढ़ सकते हो है ना मिनट में अच्छी न्यूज होती है मेरे अकॉर्डिंग इकनॉमिक्स टाइम्स या ओपिनियन सेक्शन ऑफ एनी न्यूज पेपर दैन दीज आर दैनल्स दैट आई यूज टू फॉलो अलाउट देखो अब मैं इस हर एक चैनल का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मुझे इस चैनल ने कैसे हेल्प करी राइट सो लेट्स फर्स्ट गो टू टू दिस न्यू राइट आई एवरी वीडियो ऑफ ठीक है तो इनका देखो यार इनका जो वीडियो का जो स्पेशलाइजेशन है कि दे आर वेरी रेलिवेंट टू द टाइम ठीक है uh, अभी देखो कई कई वीडियोस ये ऐसे बनाते हैं हाउ टू स्लीप फास्टर एंड बेटर ये सब इग्नोर कर सकते हो राइट

हर हफ्ते एक वीडियो आती है ऑफ़ sort ठीक of, है तो ये आपको काफ़ी अच्छा कैन लीव दिस चैनल बट sort of, uh, uh, थोड़ा बहुत कभी फाइनेंस का पढ़ना है तो इनका बहुत रेयरली एक आधी वीडियो आती है एना हर वीक तो देख सकते हो बट अगेन इनका चैनल एंड हाउ टू यूटिलाइज ऑल दिस चैनल यूट्यूब uh, का अकाउंट बनाओ उस पर सारे चैनल सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जो भी वीडियो जब भी आए आप कवर कर पाओ देन अमित सेन गुप्ता इनकी काफी अच्छी वीडियोस होती थी बट इनका वीडियोस इंग्लिश में होता था तो मुझे इंटरेक्टिव इतना लगना In लगता video, नहीं था बट अगर आपको टॉपिक from... की नॉलेज है तो उसके अलावा आप ये देख सकते हो क्योंकि इनके इनकी जो वीडियोज है उनमें कंटेंट काफी अच्छा होता है है ना काफी नंबर स्पेसिफिक कंटेंट रहता है और काफी रेलिवेंट कंटेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल उतरा काशी टनल कलेप्स ये तो इंडिया की न्यूज है राइट तो इसमें काफी नॉलेज होगी इनकी वीडियोस में राइट आइसलैंड अर्थ क्वेक एंड एवरीथिंग और इनका ज्यादा ग्लोबल न्यूज रहता है राइट लिबिया व्हाट इज भूमि कन्वेंशन सेंटर इंडिया कैनेडा डिप्लोमेट तो सारा यू कैन कवर फ्रॉम दिस राइट देन बाई जूज आई एस दिस इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैनल दैट आई फाउंड द रिंग इसके आप लाइव सेक्शन में जाओगे अच्छा देखो दो एक चीज बता रहा हूं आज अभी YouTube में ना ऐसा कर दिया कि अगर आप लाइव वीडियो डालोगे तो वो लाइव सेक्शन में जाएगी और आप वीडियो अपलोड करके डालोगे तो वीडियो में जाएगी तो कोई भी चैनल अगर एक्सप्लोर करो तो उसके वीडियो सेक्शन भी देखो और उसका लाइव सेक्शन भी देखो इसके लाइव सेक्शन में देखो हमेशा हर रोज हिंदू आर्टिकल आता है हिंदू न्यूज पेपर है इन द फोर्टी सेवन एंड आई यूज टू वॉच ऑल द वीडियो रिकॉर्डिंग्स इन द टू एक्स मोड है ना जैसे इसका भी मैं टू एक्स या वन पॉइंट फाइव एक्स कैप्शन ऑन करके देखता था तो तो वो फास्ट भी होता है और पूरा कवर हो जाता है तो ये मैं हिंदू न्यूज पेपर पूरा डेली देखता था राइट तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो आपको न्यूज पेपर पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी राइट तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल एंड इसमें फिर आ, ये ये देखा करो नो डेली क्विज बट हु इज दाऊद इब्राहिम राइट तो ये छोटे-छोटे वीडियोस डालते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट बाल्कन प्लान माउंट एबन प्लान ठीक है तो ये सब देख लिया करो चार्जिंग पॉइंट चार्जिंग पॉइंट अगेन काफी अच्छा चैनल था यस यस चार्जिंग पॉइंट इज सट ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल

देन ध्रुव राठी का चैनल ध्रुवराठी अगेन टू वी कुछ आइडिया देते फॉर एग्जाम्पल रियल स्टोरी ऑफ डुंकी राइट इसमें भी आपको कुछ वैल्यूएल मिलेगा एंड यू कैन ऑलवेज यू माइट है डिस्कशन ऑन डुमकीथिंग राउज ऑफ साउथ कोरिया और प्रोफेसर माइट आस्क यू लाइक इज द हाई प्राउंड एनिमल वर्थ वॉचिंग ऑर समथिंग लाइक दैट अगेन यू कैन यू कैन हैव ए लुक खान सर का मुझे काफी चैनल अच्छा लगता था आई डोंट थिंक इनको मेंशन करने की जरूरत है व्हेन थिंस मरुनल पटेल मरुनल पटेल का जो वीडियोस का कंटेंट क्वालिटी इट्स लाइक टॉप नोट फॉर एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट और फॉर समथिंग बिकॉज ये पूरा यूपीएससी और इसमें बहुत नॉलेज मिल जाएगी आपको फॉर इकोनॉमिक्स राइट इनका पूरा इकोनॉमिक्स बेस्ड रहता है तो इफ यू आर समन इज प्रिपेरिंग फॉर द इकनॉमिक्स फ्राम द इकनॉमिक्स बैकग्राउंड नोट फ्रॉमॉमिक्स बैकग्राउंड आई वु एनी वे सजेस्ट यू टू हैव ए लुक एट हिज चैनल एंड फॉलो हिस्स चैनल इसकी इनकी भी वीडियोज कभी कभी आती है अब तो देखो चैनल इनका एक्टिव नहीं है लाइव में देख लेते हैं कुछ है तो नहीं तो इनका देखो फोर मंथ पहले वीडियो आई है तो शायद अब एक्टिव नहीं है बट इन केस इट गेट्स एक्टिव आई थिंक यू ऑल शुड रेफर टू हिस्स चैनल ठीक है स्टडी ग्लो स्टडी ग्लो में काफी फ्रीक्वेंट वीडियोस आती हैं स्टडी आईक्यू एंड स्टडी ग्लो आर द टू चैनल्स दैट यू शुड फॉलो एनी डे स्टडी आईक्यू में ज्यादा फोकस रखना स्टडी आईक्यू की वीडियोस काफी शॉर्ट आती हैं दस बारह मिनट की और दिन में तीन तीन, तीन चार चार वीडियोज आती है और फॉलोअप वीडियो आती है मान लो आज कोई कुछ हुआ और इसका अपडेट अगर कुल कुछ कल नई एक्टिविटी हुई तो उसकी भी वीडियो आएगी तो ये आपको पूरा करंट अफेयर्स में लूप रखेगा राइट आपको पूरा नॉलेज देगा स्टडी आईक्यू एंड स्टडी आईएएस प्रिंट में यू कैन can... प्रिंट की यार काफी लंबी वीडियोस होती हैं यू कैन इग्नोर दैट यू कैन फॉलो दैट डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव बट इनका मुझे ना यस जो ये दिस 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 मैन शेखर राइट आई थिंक हिज नेम इज शेखर दिस मैन राइट तो इनके जो व्यूज होते हैं इनके काफी अच्छे व्यूज होते हैं तो यू कैन यू कैन लिसन टू हिज हिज पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ थिंग राइट या मैक्रो मैक्रोसूत्रा भी अच्छा था व्हाट व्हाट इज बिहाइंड द आर्गुमेंट बिटवीन आईएमएफ एंड आरबीआई so this is something that that makes you apart from others right if you have all this knowledge and believe me अभी आपको ये knowledge नहीं होगी मुझे भी नहीं है but once you start following you will get confident hai na ki yaar mujhe pata hai cheeze main kar paunga main kar paungi right then the think school hindi right to तो इनके काफी channels hain like let's click on the think school videos राइट सो दिस इज अबाउट थिंग स्कूल अगेन काफी काफी अच्छा चैनल है बट आई वुड सजेस्ट इतना कर पाओगे तो बेटर है इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ कुछ भी जरूरत पड़ेगी इफ यू यू थिंक कि इसके अलावा भी आपको कोई जरूरत है तो यू कैन एनी पुट द कमेंट कि भैया ये अपलोड कर दो या इसमें ये चीज भी डाल दो या मेरे पास ये मटेरियल है मैं आपको सेंड कर देता हूँ बताओ कहाँ सेंड करना है प्लीज डोंट डीएम ऑन द व्हाट्सएप है ना डीएम मत करो यार व्हाट्सएप पे आई कांट हैंडल ऑल दोस डीएम्स राइट बट अगर कुछ है तो आप प्लीज कमेंट्स में डाल दो इफ यू हैव एनी डाउट्स आई रिप्लाई टू द कमेंट्स बट आई डोंट रिप्लाई टू द डीएम्स आई कैन रिप्लाई ऑन द ग्रुप बट आई डोंट स्ट्रिकली रिप्लाई टू द डीएम राइट फिर वो हैबिट बन जाती है तो आई डोंट वॉन्ट दैट है ना बाकी इतना डिस्कोर्स अगर आप आज स्टार्ट कर दोगे तो इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है बिलीव मी लेट मी मेक इट वेरी क्लियर don't matter in which coaching you are enrolling yourself the coaching would be helpful when it comes to your mock interviews right mock interviews sort of real time practice अबाउट योर नॉलेज अबाउट योर एक्सपीरियंस अब योर कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम दैट वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा वो नॉलेज कैसे बिल्ड होगी है ना वो प्रेजेंटेशन कैसे बिल्ड होगी वो आप जब पढ़ोगे चीजों को तब आपकी बिल्ड होगी आपको ये सब चीजें पता होंगी तब आपकी बिल्ड होगी राइट अगर मैंने पूछ लिया वट इज द फाइव सिस्टर्स ऑफ इंडिया और समथिंग लाइक दैट आपको नहीं पता तो आप कितने भी प्रेजेंटेशन अच्छा हो आपको नहीं सिलेक्ट हो गए राइट तो आपको ये सब नॉलेज लेनी है चाहे आप अपनी कोचिंग से लो चाहे यहाँ से लो चाहे जहां से भी लो बट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ ऑन योर नॉलेज उट द जी डी पी आई है ना इफ यू लाइक दीडियो यू कैन शेयर इट विद येट ए गुड रिस्पॉन्स तो मैं और भी कुछ आप, आपको ट्राई करूंगा दिखाने का बताने का है ना इट्स डिपेंड ऑन की आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है कंटेंट पे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा तो आई विल प्रोवाइड इनफ ऑफ मेटीरियल्स राइट मटीरियल की कोई कमी नहीं है बट ये सब ये सब बनाने में ये सब ढूंढने में लाइक like मेरे एक दो दिन चले गए राइट तो उसका मोटिवेशन अगर आप दोगे है ना इफ यू लाइक द द कंटेंट बिकॉज थिंग इज अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो आई विल फील की अच्छा लोगों को कंटेंट समझ आ रहा है पसंद आ रहा है बट अगर व्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो अगेन वही होता है कि यार मुझे लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है ना या इस चीज की जरूरत नहीं है तो आई विल स्टॉप पुटिंग द एफर्ट्स इन दैट सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू एंड हैव है वेरी गुड डे